गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए रोज़ नई नई रेमेडीज लाती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ और जो इफेक्टिव लगती है वो ट्राई करती हूँ खुद पे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा फेस सीरम जो आता है वो शेयर करने वाली हूँ। आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्किन पे ग्लो चाहिए, स्किन ब्राइटनिंग करना चाहते हो आप, तो ये वाला सीरम डेफिनेटली वर्क करेगा। मार्केट वाले सीरम्स जो आते हैं वो केमिकल वाले तो होते ही है, साथ ही में बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और आप अपनी स्किन का केयर करना चाहते हो तो ये वाली सीरम डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। दूसरी बात कि अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेरी है तो इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए, मतलब कि जो लोगों को ज़रूरत है DIY की उनको शेयर कर सकते हो। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो जैसे मैंने बताया वैसे ही कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है एलोवेरा जेल। आपको जो है वो मार्केट वाला लेना है, फ्रेश वाला नहीं लेना है, बिकॉज कि इसको आपको स्टोर करके अगर रखना है तो आपको मार्केट वाला ही चाहिए जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना एलोवेरा लिया है और उसके अंदर 1 पिंच जितना मैंने सेफ्रॉन ऐड किया है। आपके पास सेफ्रॉन है तो ऐड कर दीजिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मे बी हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा तो स्किप कर दीजिएगा, बट सेफ्रॉन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं स्किन ब्राइटनिंग में, स्किन में ग्लो लाने के लिए, स्किन का जो रंग है वो निखारने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब भी इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 ड्रॉप जो है वो आर्गन ऑयल के। आर्गन ऑयल यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का लिया है, आई होप कि मतलब कि सबके पास होगा ये वाला। उसके बाद 1 पिंच हम ऑर्गेनिक टर्मरिक जो आता है वो ऐड करेंगे इसके अंदर, और 1 विटामिन ई की कैप्सूल हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। ये वाला सीरम जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए भी है और ऑयली स्किन वालों के लिए भी है, बहुत ही वाटर बेस्ड टाइप का ही है, आपको बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस स्किन के लिए, वो एजिंग में भी हेल्प करता है, स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करता है, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच जितना ग्लिसरीन लिया है, और जो हल्दी हमने डाली है वो जिन लोगों को डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो ये सीरम है वो आपके बहुत सारे फायदे होगी ये सीरम से। एक तो है कि आपके स्किन में ब्राइटनेस आएगी, आपके स्किन पे नेचुरल सा ग्लो आएगा, स्किन में जो रंगत निखारेगा। टर्मरिक है वो दाग धब्बे दूर करेगा, डार्क स्पॉट्स जो होता है, एक्ने पिंपल्स है उसको दूर करेगा। फिर सेफ्रॉन डाला है, सेफ्रॉन भी स्किन ग्लो के लिए काम करता है, ग्लिसरीन भी एजिंग का काम करता है, विटामिन ई है वो एक मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको जो है वो मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड किया है, कोई भी रोज़ वाटर आप ले सकते हो, और इसको अच्छे से मिलाना है। फिर 1 कांच की खाली बॉटल चाहिए, यहाँ पे मेरे पास NYBE की पड़ी थी कांच की खाली बॉटल, मतलब कि सीरम खाली हो गई थी, तो ऐसा ड्रॉपर चाहिए ताकि आप इजीली जब भी यूज़ करो तब आप इजीली इसको यूज़ कर सको। फिर इसको है वो बॉटल में भर देना है अच्छे से धीरे धीरे करके, और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो 20 डेज 30 डेज के लिए रेफ्रिजरेटर में, तो आप ऐसे ही बना लोगे तो अच्छा होगा, और आप इसको मॉर्निंग में और नाइट में 2 टाइम यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको ऐसे भर देना है पूरी बॉटल, और फिर जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो ये मैं बंद करके जो ज़्यादा प्रोडक्ट है वो निकाल लेती हूँ, और फिर इसको बॉटल को बाहर से वॉश करके आती हूँ, और फिर उससे आपको सबसे पहले मेरे हैंड पे दिखाती हूँ इसका टेक्सचर वगैरह, और फिर अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है बॉटल बाहर से वॉश कर ली है, और अभी आप देख सकते हो इसको मैं अपने हैंड पे दिखा रही हूँ सबसे पहले, तो इस तरह का टेक्सचर होगा इसका। केसर जो है और एलोवेरा जो है अच्छे से अंदर घुल मिल जाना चाहिए, इस तरह से आपको मिक्स करना है, सारा मिक्सचर एक हो जाना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छी सीरम है, स्किन पे ग्लो भी आएगा, आप इसको विंटर में भी समर में भी यूज़ कर सकते हो, जब मेकअप अप्लाई करते हो उसके पहले भी स्किन पे ग्लो चाहिए, प्राइमर की जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो।
तो ये बहुत ही अच्छी है और बहुत इफेक्टिव है, मार्केट में मिलने वाली सीरम से काफ़ी अच्छी है और इसको स्टोर करके रख सकते हो तो बहुत अच्छा है। इसका प्लस पॉइंट है, जो लोग बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि रोज़ बनाए और रोज़ यूज़ करे, तो वो लोगों के लिए ये वाली सीरम अच्छी है। ऐसे ही आपको ड्रॉपर की मदद से लगाना है, आपके पास ड्रॉपर वाली बॉटल होगी तो बेटर रहेगा, ईजी रहेगा। तो इसी तरह से आप जब भी अप्लाई करते हो तो मॉर्निंग में नहाने के बाद अपना फेस जो है वॉश किया हुआ होता है उसमें आपको अप्लाई करना है। ऑलवेज सीरम पहले अप्लाई करना है, उसके बाद आप डे क्रीम लगाते हो या मॉइस्चराइजर लगाते हो या और कुछ लगाते हो वो बाद में लगाइए। सीरम सबसे पहले अप्लाई करनी होती है और रात को सोते टाइम भी अपना फेस वॉश करके ये सीरम अप्लाई कीजिए। आपको 15 दिन में ही बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिनको फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, एक्ने पिंपल दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सारों को रिजल्ट मिलेगा। जिनके ड्राई स्किन है उनको भी अच्छा रहेगा, आपको मॉइस्चराइजर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और सेंसिटिव वाले भी, क्योंकि मेरी सेंसिटिव भी है और ड्राई भी है। तो इस तरह से आपको लगाना है और ऐसे ही आपको यूज़ करना है रोज़, ताकि इसका अच्छे से रिजल्ट मिल पाए आपको। तो गाइस, ये आप इसको जो है रेफ्रिजरेटर में 20 सेल्सियस अराउंड जो टेम्परेचर होता है उसमें आप स्टोर करके 20 डेज या 30 डेज के लिए भी रख सकते हैं। तो आपको एक टाइम ही बनाना है, एक मंथ की एक बार ही बनानी है और पूरे मंथ चलेगी। जो लोग बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, जॉब करते हैं, घर का भी काम होता है, तो उनके लिए ये वाला अच्छा है कि आपको रोज़ रोज़ बनाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार बना कर स्टोर कर लोगे तो चलेगा। हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको आप मॉर्निंग में और नाइट में दो टाइम यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जैसे आप कोई भी सीरम यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ करना है इसको। और बस आई होप कि वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ।